नमस्ते दोस्तों, मैं अजय आप सबका स्वागत करता हूं अजय भाई जी की एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो अपनी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2024 के टॉप 5 बस सिमुलेटर गेम्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में खेल सकते हो। देखो, जो अपनी लिस्ट होने वाली है ना आज, ये मिली जुली लिस्ट है। इसमें आप लोगों को इंडियन गेम भी खेलने को मिल जाएगा, बहुत पुराना गेम भी मिल जाएगा और बहुत सारे नए गेम्स भी मिल जाएंगे। इन गेम्स के अंदर आप लोगों को बहुत सारी बसें ड्राइव करने के लिए मिल जाती है, हाई ग्राफिक्स क्वालिटी मिल जाती है, कई प्रकार के गेम प्लेइंग मोड्स मिल जाते हैं और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो बाकी बस सिमुलेटर गेम्स के अंदर आप लोगों को नहीं मिलते हैं। तो आपने आज तक वैसे तो बहुत सारे बस सिमुलेटर गेम्स को खेल ही रखा होगा। आपके अकॉर्डिंग आपने जितने भी बस सिमुलेटर गेम्स आज तक खेले हैं, उनमें से सबसे बेस्ट बस सिमुलेटर गेम्स कौन सा है, कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर शेयर कर देना। बाकी जितने भी बस सिमुलेटर गेम्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, इनके डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, यदि आप डाउनलोड करना चाहो तो वहां से कर सकते हो। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और बारी बारी से सभी गेम्स को जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो चलो अभी बारी बारी से हम सभी गेम्स के बारे में जानते हैं। आज की अपनी वीडियो में जो गेम पांचवें नंबर पर आ रहा है, ये एक इंडियन बस सिमुलेटर गेम है और इसका नाम इंडियन बस सिमुलेटर गेम 3D, जो की बायक्राफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। और इस गेम का साइज 79 MB है और इस गेम को अब तक 5 मिलियन से ज्यादा यूजर ने डाउनलोड करा के खेल रखा है। गेम भी 26 जनवरी 2022 को रिलीज हुआ था। अब ये एक इंडियन बेस्ड गेम है, तो जाहिर सी बात है इस गेम के अंदर हम लोगों को बहुत सारी इंडियन बसें ड्राइव करने के लिए मिल जाती है। स्पेशली यहाँ पर आप लोगों को हरियाणा रोडवेज HRTC की बस का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, कैमरा एंगल में भी आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिल जाता है, छोटे मोटे ऑफ रोड रस्ते भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और स्पेशली गेम ऑफलाइन है, कैमरा वाला मोबाइल है, तो उसके अंदर बढ़िया आसान से रन भी हो जाता है। रस्ते में आप लोगों को जो दुकानें वुकानें मिलती है, वहां पर आप लोगों को हिंदी में लिखे हुए स्लोगन भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारा आप लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक भी देखने को मिलेगा, इंजन साउंड वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। गेम का साइज बहुत ही छोटा है, तो कम रैम वाले मोबाइल में भी आसान से रन हो जाएगा। तो इस गेम को आप जरूर ट्राई कर सकते हो। यदि आपको कोई बढ़िया सा इंडियन बस सिमुलेटर गेम चाहिए तो ये गेम एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसको ट्राई करना और बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा है। आज की अपनी वीडियो में जो गेम चौथे नंबर पर आ रहा है, उसका नाम है वर्ल्ड बस ड्राइविंग सिमुलेटर, जो कि डायनामिक्स गेम्स के द्वारा डेवलप किया गया है और इस गेम का साइज है 579 MB। साथ ही इस गेम को 10 मिलियन से ज्यादा यूजर ने अब तक डाउनलोड करा के खेल रखा है। गेम बहुत ज्यादा पुराना है और ये गेम रिलीज हुआ था 15 फरवरी 2019 को। अब इस गेम के अंदर आप लोगों को कई प्रकार के गेम प्लेइंग मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपना कैरियर भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा मैप मिलता है जहाँ पर ड्राइविंग करते करते आप लोग थक जाओगे, लेकिन मैप खत्म नहीं होता है और मैप एकदम से मिक्सअप है। आप लोगों को ऑफ रोड रास्ते भी मिलते हैं, हाईवे भी मिलते हैं, 6 लाइन वे भी मिलते हैं, 4 लाइन वे भी मिलते हैं, कंट्री साइड रोड भी मिलते हैं, माउंटेन वे भी मिल जाते हैं। मतलब जो पैकेज होता है ना एक बस सिमुलेटर गेम का, वो सब कुछ आप लोगों को इस गेम के अंदर मिलने वाला है। साथ ही आप लोगों को 3 प्रकार के स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाते हैं, 4-5 प्रकार के कैमरा एंगल्स मिल जाते हैं, कई प्रकार के आप लोगों को ड्राइविंग के दौरान बड़े बड़े व्हीकल भी देखने को मिल जाते हैं और ट्रैफिक बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ड्राइविंग करते समय आप लोगों को आपके ड्राइवर का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको सुलाना भी पड़ता है और नाइट रोटेशन, बारिश वगैरह सब कुछ इस गेम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बस दिक्कत इतनी है, गेम पुराना है और अपडेट आने के बाद थोड़ा सा इसका जो सेंसिटिविटी है ना वो ज्यादा हो चुका है। फिर भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, मजा आप लोगों को आएगा, ऐसे मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इस गेम को बहुत बार खेल रखा है। तो इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्राई करना और खुद बताना कि गेम कैसा लगा है। आज की अपनी वीडियो में जो गेम तीसरे नंबर पर आ रहा है, फिलहाल ये गेम गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है और इस गेम का नाम है बस सिमुलेटर एक्सट्रीम रोड्स। बहुत ही बेहतरीन गेम था, अच्छी खासी ग्राफिक्स क्वालिटी हम लोगों को इस गेम के अंदर देखने को मिल जाती थी। वेस्टर्न और देसी टाइप की बसें हम लोगों को ड्राइव करने के लिए मिलती थी, ऑफ रोड रस्ते में बाढ़ आई हुई मिलती थी और बहुत ही ज्यादा मजेदार गेम था। फिलहाल अवेलेबल नहीं है, रीजन मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसको आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, खेलोगे तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। स्पेशली इसका जो इन्वायरमेंट है ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, रस्ते में आप लोगों को अच्छा खासा ट्रैफिक भी देखने को मिलता है। इंटीरियर कैमरा एंगल के दौरान आप लोगों को ड्राइवर के हाथ भी स्टीयरिंग पर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही कई और प्रकार के कैमरा एंगल भी आप लोगों को इस गेम में देखने को मिलते हैं। और कम रैम वाले मोबाइल में भी आसान से रन हो जाता था, टोटली ऑफलाइन गेम था। लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर एक पड़ता रही है कि जो गेम बढ़िया हो जाता है उसको ये रिमूव कर देते हैं। इससे पहले भी एक एग्जाम्पल है बस सिमुलेटर अल्टीमेट का, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, एकदम से इन्होंने गायब कर दिया था और उसके बाद से ये गेम कभी वापस आया ही नहीं है। तो यदि आप इसको भी खेलना चाहते हो तो गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हो और मैं गारंटी लेता हूं इस गेम को खेलते समय आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा फील होने वाला है। तो जाओ गूगल बाबा करो,
बस सिमुलेटर एक्सट्रीम रोड्स। आज की हमारी वीडियो में चूंकि हम दूसरे नंबर पर आता है, ये एक पेड गेम है, इसको खेलने के लिए आप लोगों को पूरे 400 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन गेम में क्वालिटी है और मैं नहीं कहूंगा कि परचेज करो, वो आपकी मर्जी है। तो गेम का नाम है बस सिमुलेटर सिटी राइड और इस गेम का साइज है 347 MB। इस गेम को केवल 5000 बंदों ने डाउनलोड किया है, बाकी इसका एक लाइट वर्जन आ चुका है। यदि आप उसको खेलना चाहो तो सेम फीलिंग आप लोगों को आएगी, लेकिन गेम के साथ एक दिक्कत है, जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो गेम ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं इस गेम के आप लोगों को रिलीज डेट बता देता हूं। ये गेम रिलीज हुआ था 26 सितंबर 2022 को और इस गेम के अंदर भी आप लोगों को कई प्रकार के गेम प्लेइंग मोड मिल जाते हैं। हालांकि ये वेस्टर्न स्टाइल का गेम है, जैसे इंग्लैंड में आप लोगों को बसें मिलती है वैसी बसें इस गेम के अंदर आप लोगों को ड्राइव करने के लिए मिल जाती है। अच्छे खासा लॉन्ग डिस्टेंस वाला भी जो आप लोगों को मिलता है, पैसेंजर को बिठाना पड़ता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के कैमरा एंगल आपको बहुत ज्यादा मजेदार बना देते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को बस को फुली ऑपरेट करने का कंट्रोल मिलता है, जैसे आपको कब विंडो ओपन करनी है, कब बंद करनी है, कब पैसेंजर बिठाने, कब उतारने हैं, ड्राइवर को नींद देनी है या नहीं देनी, उसको खाना पिलाना है, जो कस्टमर है उसकी खुशी भी यहाँ पर मायने लगती है। मतलब से एकदम से आप यहाँ पर बस ड्राइवर का जीवन जी सकते हो, लेकिन 400 रुपए देके। बाकी आपकी इच्छा करना चाहते हो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की अपनी वीडियो में जो गेम पहले नंबर पर आता है वो है बस सिमुलेटर इंडोनेशिया, जो कि मालियो कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है और इस गेम का साइज 382 MB है। साथ ही इस गेम को 100 मिलियन से ज्यादा यूजर ने अब तक डाउनलोड करा के खेला है। इस गेम की रिलीज डेट की बात करें तो 27 मार्च 2017 को यह गेम रिलीज हुआ था, यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बस सिमुलेटर गेम है जो फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। गेम आप लोगों ने खेल रखा हुआ है। इस गेम के अंदर आप लोगों को हर प्रकार का गेम प्ले मोड मिल जाता है, फिर चाहे कैरियर मोड हो, फ्री राइड मोड हो, और फिर आपको रूट पर मतलब टूर लेके जाना हो, या फिर आप यहाँ पर मोड वगैरह ऐड कराना चाहो, सब कुछ आप करा सकते हो। एकदम से मस्त गेम है। हालांकि ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ हमेशा से इस गेम के साथ प्रॉब्लम रही है, लेकिन जब से नई अपडेट आई है उसके बाद से इस गेम में हम लोगों को फिजिकल डैमेज देखने को मिल गया है। बस को हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, वॉशिंग करानी पड़ती है, मतलब एकदम से रियलिस्टिक फीलिंग अब हम लोगों को इस गेम के अंदर आने लगी है। साथ ही मोड ऐड करने का पॉइंट तो इस गेम में सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे गेम्स में हम लोगों को नहीं मिलता, बहुत सारे क्या एकमात्र ऐसा गेम है फिलहाल एंड्रॉइड पर जिसके अंदर आप मोड को ऐड कर सकते हैं। बाकी पर स्किन विकिन तो लगा सकते हैं, लेकिन मोड ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इस गेम को आप जरूर ट्राई कर लेना, ऑलरेडी आपने ट्राई भी कर रखा होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन है, दोनों के साथ आप इसे खेल सकते हो। तो ये थे वो टॉप 5 बस सिमुलेटर गेम्स जो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कोई ना कोई गेम तो पसंद कर ही लिया होगा। तो कौन सा गेम पसंद किया कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो फिलहाल आज की वीडियो खत्म कर लेते हैं, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मिलते हैं चल तब तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद।